Hello students, you all are welcomed in Zahra's classes. Myself Dr. A. Zahra, and today I am here with a poem, The Laburnum Top, which is taken from Hornbill book. The poet of this poem is Ted Hughes. And students, in this poem there is a relationship discussed between the laburnum tree and the goldfinch bird. It has shown that how the laburnum tree is made alive, or it becomes to life by the bird and her young ones. Before the bird arrives, the tree is silent and has a death-like appearance, but as soon as the bird comes, the tree becomes lively, and once the bird moves out of the tree, again it becomes silent and dead-like. So here the relationship between these two is shown, and we are going to read this poem. It's a very beautiful poem. तो बच्चों, इसमें लेबरनम पेड़ जो है वो उसके बारे में इसमें डिस्कस हुआ है. इस पेड़ के बारे में इसमें डिस्कस हुआ है इस पोएम में, कैसे इस पेड़ का जो हमारी जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, और इस कठिनाइयों का ये एक प्रतीक इसमें बनाया गया है लेबरनम पेड़ को. और इसमें इस पेड़ की, लेबरनम पेड़ का जो वर्णन है बहुत खूबसूरती से किया गया है. उसी तरह से जो पक्षी है, गोल्डफिंच पक्षी है, किस तरह से उसके आने से ये पेड़ जो मरा हुआ सा था वो कैसे जीवंत हो जाता है, और किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, वो इस पोएम में पोएट ने बहुत अच्छे से बयान किया है. अगर हम पोएट की बात करें तो पोएट टेड ह्यूज जो हैं, ये एक इनका जो जन्म हुआ था वो मिथल रॉयड डिस्ट्रिक्ट ऑफ यॉर्कशायर में हुआ था सन 1930 में. और इनका जो बचपन था वो बहुत शांत गुज़रा. और ये जो इनका जो स्कूलिंग हुआ वो रॉयल एयर फोर्स में हुआ, और 2 साल जो है वो ग्राउंड वायरलेस मैकेनिक की तरह भी उन्होंने काम किया. लेकिन टेड ह्यूजिस जो थे, ह्यूजिस का जो काम था बहुत ज़्यादा मैथिकल फ्रेमवर्क पे था, बहुत सारे लिरिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग से भरा हुआ था. अपने इंटेंस सब्जेक्ट को लेकर वो चलते थे. इनके पोएम्स में या इनके काम में ज़्यादातर एनिमल्स का होना, जानवरों का होना, और बहुत इस तरह के नेचुरल चीज़ों के साथ उन्होंने अपने पोएम को, अपने राइटिंग्स को सजाया है. और बहुत सारे इन्होंने यूरोप के हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर्स को भी ये इससे अवार्डेड हुए हैं. और इनको ही वाज आल्सो अपॉइंटेड लॉरेट्स ऑफ इंग्लैंड इन 1984, एंड फाइनली ही ब्रेथेड हिज लास्ट इन 1998 इन इंग्लैंड, and he died from cancer. Some of his acknowledged works were The Hawk in the Rain, it is a poetry, Crow in 1971, then Cave Birds 1979, Flowers and Insects 1986. Inka zyadatar jo work hai wo animals pe hi hai, aur animals ya natural cheezon pe hai. So bachcho, ye bhi ek poem jo hai ye natural स्ट्रक्चर्स पे ही है. जैसे लेबरनम टॉप एक पेड़ है, एक पीला पेड़ होता है जिसकी शाखें जो होती हैं वो बिल्कुल झुकी हुई होती हैं, और ये पेड़ जो है इसके साथ एक पक्षी, गोल्डफिंच पक्षी का इसमें जिक्र हुआ है. तो नाउ लेट अस बिगिन विद द पोएम. द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स fallen. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup and a suddenness, a startlement at a branch end. Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chittering, a tremor of wings and thrilling. तो बच्चों, यहाँ पे पहला जो इसका स्टैंजा है इसमें बताया है कि किस तरह से ये पोजीशन जो है वो लेबरनम ट्री की है.
ये इनिशियली जो ट्री है वो कैसी दिखती है। यहाँ पे पोएट ने पोएम को स्टार्ट किया है कि लेबनम ट्री इट हैज़ अ टॉप विच इज़ वेरी मच साइलेंट। बहुत साइलेंट है, इसमें कोई गतिविधि नहीं है, कोई हरकत नहीं है। और जो इसकी लीव्स हैं और उसकी जो बीजें हैं, जो सीड्स हैं, दे ऑल हैव टर्न्ड येलो एंड दे हैव फॉलन। तो ये एक उसकी ऐसी स्थिति दिखा रहा है जिसमें उसमें कोई गतिविधि नहीं है और उस एकदम बिल्कुल साइलेंट सा वो खड़ा है, पेड़ एकदम स्टिल और उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। और ये किस समय को इसमें दिखाया गया है, इसमें पोएट ने सितंबर की वो दोपहर दिखाई है। येलो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है जो दोपहर का समय है। येलो मीन्स साइलेंट, येलो कलर यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो साइलेंस को बता रहा है, डेथ लाइक सिचुएशन को बता रहा है। तो ये इस तरह से बता रहा है। तो ये द पोएट हैज़ यूज्ड वर्ड येलो फॉर लीव्स एंड सनलाइट, एंड येलो यहाँ पे इट इज़ सिंपल सिम्बोलाइजिंग साइलेंस, डेथ, ब्यूटी, एवरीथिंग। सो इन दिस पर्टिकुलर स्टेंजा द पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग अबाउट द सिचुएशन, द पोजिशन ऑफ और द कंडीशन ऑफ लेबनम ट्री विच इज़ साइलेंट एंड हैविंग डेड लाइक अपियरेंस, एंड इट इज़ एन आफ्टरनून, सेप्टेम्बर आफ्टरनून, वेर लाइट इज़ येलो एंड ऑल्सो द एंटायर एटमोसफियर इज़ येलो बिकॉज द लीव्स एज वेल एज सीड्स जो है वो पूरी तरह से इस पेड़ से गिर चुके हैं। लेबरनम बच्चों एक ऐसा छोटा सा पेड़ है जिसकी ब्रांचेस जो हैं ये इस तरह की हैंगिंग होती हैं, ये देखिए, एंड इट हैज़ येलो फ्लावर्स, और जो इसकी सीड्स होती हैं वो पॉइजनस होती हैं। सो आई होप सो द फर्स्ट स्टैंजा इज क्लियर। द वेरी फर्स्ट पार्ट इट शोज द कंडीशन ऑफ द लेबरनम ट्री, बिल्कुल लाइफलेस होती है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग शिरप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग। सो यहाँ पे ये बताया गया कि गोल्ड फिंच बर्ड उसके बाद आती है और वो जो डेथ लाइक सीन होता है, वो जो ट्री का जो बिल्कुल डेड पड़ी हुई होती है, उसमें अचानक से एक हलचल मचती है। और ये हलचल जो मचती है यहाँ पे बच्चों, जो ये चिरप का मतलब जो होता है, चिरप जो यहाँ पे दिखाया गया, चिरप का मतलब बर्ड जो कि बार बार कुछ आवाज़ करती है। तो इस तरह से एक हल्की सी हलचल उस पेड़ में दिखती है और जो डेथ लाइक सीन होता है वो उसमें अचानक से आवाज़ें आने लगती हैं। और यहाँ पे जो बर्ड है वो बहुत अलर्ट होती है, बहुत रैपिड होती है, बहुत फास्ट होती है, और वो बिल्कुल किस तरह से मूव करती है, जिस तरह से एक छिपकली, जिस तरह से एक लिजर्ड का मूवमेंट होता है, बहुत स्विफ्ट होता है, उस तरह का मूवमेंट उसमें होता है। और ये पक्षी क्यों आता है, ये पक्षी आता है अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। और वो बिल्कुल छिपकली के तरह बड़ी तेज़ और बिना कोई आवाज़ किए हुए पेड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव करती है। और बिल्कुल यहाँ पे इस लाइन में बताया गया कि शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। तो किस तरह से यहाँ पे बताया, गोल्ड फिंच जो है वह अपने परिवार का एक मुखिया हो है और वही अपने परिवार का पूरा भरण पोषण का काम करती है, और उसके होने से जो है पूरा परिवार जो है वो एक्टिव हो जाता है, जीवंत हो जाता है। जिस तरह से किसी भी एक मशीन को चलाने के लिए एक इंजन को चालू करना ज़रूरी होता है, इंजन काम करता है, बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह से ये जो पक्षी है गोल्ड फिंच पक्षी वो अपने परिवार के लिए बहुत ज़रूरी एक सदस्य होता है और वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है। तो इसका यही यहाँ पे एक मतलब निकलता है कि बिल्कुल वो एक मशीन की तरह एक्ट करती है, वो आती है और जैसे ही वो आती है पूरा माहौल जो है वो जीवंत हो जाता है। और कैसे जीवंत हो जाता है, यहाँ पे जैसे चिटरिंग हो गया, आवाज़ें हो गई, बहुत तरह की इसमें आवाज़ें हो जाती हैं, पंख हिलने लगते हैं, पूरा पेड़ जो है बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो भी खुशी से नाचने लगता है। जो उसका जो उसकी अवस्था होती है बिल्कुल मरने जैसी अवस्था होती है, वो बिल्कुल वो मृत अवस्था को वो जीवित अवस्था में वो आ जाता है। सो आई होप सो दिस टू स्टैंजाज आर क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट स्टैंजा, द होल ट्री, द होल ट्री ट्रम्बल्स ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली, इट इज शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग अ बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क।
Then with the airy delicate whistle syrup whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. So now here again, in this poem, flirts out, जो दिया हुआ है flirts out का मतलब lead on to, and then stokes का मतलब होता है to add fuel to the engine, and barred means strippy, जो strips जैसे structures होते हैं. तो यहाँ पे इट फर्स्ट ये फोर लाइंस को हम पढ़ते हैं. इट इज़ इंजिन ऑफ अ फैमिली, सॉरी, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स. इट इज़ द इंजिन ऑफ अ फैमिली, शी स्टोक्स इट फुल, देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. तो जैसे लेबर्नम ट्री और गोल्डफिंच बर्ड जो है वो दोनों का एक रिलेशन इसमें दिखाया है और बताया है कि कैसे गोल्डफिंच बर्ड जो है वो एक इंजन का काम करती है अपने फैमिली के लिए. कैसे इंजन का काम करती है, वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है, और ये मूवमेंट जब वो खाना लेकर आती तो किस तरह से वो एक ब्रांच पे बैठती है तो वो ब्रांच वो जो शाख है वो हिलने लगती है. हाउ द ब्रांचेस स्टार्ट्स मूविंग, और इन्हीं ब्रांचेस में उसका जो चेहरा होता है वो उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो छिपी हुई होती है और सिर्फ उसका चेहरा जो है वो विजिबल होता है, जो चेहरा स्ट्राइप्ड होता है. और क्योंकि उसकी बॉडी येलो कलर की होती है इसीलिए वो उस पत्ती में, उस पेड़ की पत्ती में, पेड़ की पत्ती भी जो है लेबरनम की पत्ती जो है वो भी पीली होती है, तो उन पीले पत्तों में उसका पूरा शरीर ढक जाता है लेकिन सिर्फ उसका चेहरा दिखता है जो कि स्ट्राइप्ड होता है. तो वो एक उसका आइडेंटिटी मार्क बन जाता है, यानी कि चेहरा, स्ट्राइप्ड चेहरा जो है गोल्डफिंच बर्ड का आइडेंटिटी मार्क बन जाता है. और ये इस पेड़ पर आती है तो पेड़ के साथ, अपने परिवार के साथ साथ उस पेड़ को भी जीवंत कर देती है, बिल्कुल जैसे एक इंजन जो है एक मशीन को चलाता है उसी तरह से ये गोल्डफिंच बर्ड भी जब आती है तो ये उसके परिवार और लेबरनम ट्री जो है वो बिल्कुल जीवंत हो जाते हैं. एक इंजन का काम वो करती है, एक मशीन का काम करती है. देन विद द एरी डेलिकेट विसल शिरप whispering she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. अब फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे laburnum tree जो है वो फिर से कहीं अपने पुराने स्थिति में चली जाती है. लेकिन ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे जैसे ही जो पक्षी है गोल्डफिन पक्षी है वो अपने बच्चों को जब खाना खिला लेता है तो वो पेड़ की शाख में आके बैठ जाता है, कोने में आके उसके एंड पे आके बैठता है और बहुत स्वीट मेलोडियस चर्पिंग आवाज़ निकालता है और वो दूर उड़ जाता है दोबारा खाना लाने के लिए. और इस तरह से टूवर्ड्स द इन्फिनाइट का मतलब होता है वो दूर चला जाना, बहुत दूर जो विजिबल ना हो, आसमानों में उड़ने लगता है ताकि वो दोबारा से अपनी फैमिली को फीड करने के लिए फूड ला सके, खाना ला सके. लेकिन इस क्रम में जितनी देर पक्षी पेड़ पर होता है उतनी देर वो पेड़ भी एक्टिव होता है, उसका परिवार भी एक्टिव होता है. लेकिन जैसे ही ये उड़ जाता है तो फिर से लेबरनम ट्री जो है वो अपने पुरानी अवस्था में आ जाता है, यानी बिल्कुल मृत अवस्था में आ जाता है. तो इस तरह से कैसे ये बताया इस पोयम में कि किस तरह से ये पक्षी जो है या लेबरनम ट्री जो दोनों एक दूसरे के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और कैसे उसको जो है वो अपने मृत स्थिति से कैसे लेबरनम ट्री को जो पक्षी है वो जीवंत रूप में लेकर आता है. सो द लेबरनम टॉप शोज अ स्वीट एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ट्री एंड द बर्ड एंड हाउ दे बोथ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन देयर लाइफ इज बीन डिपिक्टेड इन दिस पोएम. सो दिस वॉज ऑल अबाउट लेबरनम टॉप. Now coming on to the its literary devices, first of all we will see alliteration. Alliteration, what is alliteration? It is repetition of consonant sound at the beginning of two or more consecutive words. So is poem mein alliteration hai, figure of speech, jaise September sunlight. So September and sunlight, ye ek alliteration ka example hai jahan repeated consonant s sound aa raha hai. Tree trembles. Tree and here T sound is repeated. So the first literary device is alliteration. Simile, simile is nothing but comparison between two things where we use like or as.
तो ये कंपैरिजन किया, बर्ड के मूवमेंट को कंपैरिजन किया, स्लीक एज अ लिजर्ड, तो यहाँ पे एज अ लिजर्ड से कंपैरिजन हुआ है बर्ड का, सो हियर द लिटरेरी डिवाइस इज सिमिली. देन मेटाफोर, मेटाफोर अगेन इट इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड क्वालिटी इज कंपेयर्ड हियर. सो शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप. सो द नॉइज क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ बर्ड इज कम्पेयर टू मशीन्स नॉइज. तो यहाँ पे एक जैसे मशीन तुरंत बंद मशीन जो है उसमें आप इंजन चालू कीजिए मशीन स्टार्ट हो जाती है, उसी तरह से ये बर्ड्स के एंटर होने से ही इस बर्ड के पूरा जो वातावरण है वो मूवमेंट में हो जाता है और एक आवाज़ जो होती है बर्ड की वो आवाज़ मशीन की आवाज़ से यहाँ पे कंपेयर किया गया है. सो इट इज़ अ मेटाफर. इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली शोइंग अ बर्ड फेस आइडेंटिटी मास. सो इस स्टैंजा में ये मेटाफर. देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट स्पीच फिगर ऑफ स्पीच दैट इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन इज द नेम सजेस्ट द एट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्सनल नेचर कैरेक्टरिस्टिक टू समथिंग नॉन ह्यूमन. तो नॉन ह्यूमन या नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन लाइक अपियरेंस देना उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स. ओके, तो इस तरह से ये एक पर्सन ह्यूमन नेचर देना यहाँ पे ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स जो है, या जो एक ट्री का नेचर नहीं है लेकिन ह्यूमन के नेचर को ट्री पे डाला है, तो इस तरह से ये पर्सोनिफिकेशन हो गया. देन ट्रांसफर्ड एपिथेट अनदर लेटर डिवाइस दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. इट इज़ व्हेन एडजेक्टिव यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब वन थिंग इज ट्रांसफर्ड टू अनदर. मतलब एक एडजेक्टिव जो है एक नाउन के लिए जो यूज़ हो रहा है उस तरह से वो किसी दूसरे पे जब ट्रांसफर हो जाता है तो उसको आप ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं. जैसे हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. तो ये किसका बार्ड फेस, बार्ड फेस जो है वो जो बर्ड का है वो बार्ड फेस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो आइडेंटिटी आइडेंटिटी किसका बना है, वो एक मास्क के फॉर्म में आइडेंटिटी बना है. तो ये हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क इज द ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज इन दिस पोएम. कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट एक्सरसाइज, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, वॉट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पोएम. सो इन द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पोएम द सेम कंडीशन ऑफ द ट्री इज डिस्कस्ड. दैट इज इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम द ट्री इज काम एंड क्वाइट एंड इन द एंडिंग ऑल्सो इट एंड्स विथ मोशनलेस एंड एम्प्टी लेवल. So to what is the bird's movement compared, what is the basis of the comparison? Here in this poem, the bird's movement is compared to, or the goldfinch movement is compared to that of a lizard, because it is moving in the same fashion, that is it is sleek, it is abrupt and alert movement, and the same movement is observed in lizard also. So due to this same kinds of movement observed when the goldfinch arrives on the laburnum tree, so it is this basis forms the comparison of the bird with the lizard. Then why is the image of the engine evoked by the poet? So here an engine, as we know, is the source of the energy to run any kind of machine, and here the bird is compared as an engine because she is also a source of food or source of survival or source of energy for the family. So as without engine a machine cannot work in the same fashion, without a bird her family cannot survive. So here it is compared with the engine, the bird is compared with the engine. Okay, then what do you like the most about the poem? So here there are so many beautiful voices, sounds are created like chirping, thrilling of goldfish, finch, and similarly the simplicity of the poem and the pictorial representation of the poem, comparison of the bird's movement with the machine and lizard, these all are created in a very nice way, and they are these tools are used in very simple way. So the this is the most thing, simple thing that is being liked. That is I like most about the poem. So it is up to you what you feel like. This was my personal this thing. What do the phrase her bird face identity mask means? So here the phrase means that the bird's body is totally covered, but the face becomes her identity mask for her recognition. Her total body is covered because her body is yellow and it blends with the yellow flowers of the tree. But only the thing that is visible is her face, so her face becomes her identity mask.
So these are all the questions that you are supposed to solve. I hope so. The poem is very much simple and you might have understood it. So students, please like, share and subscribe the channel. Also like, share and subscribe Zehra's Classes Hindi for your Hindi lectures. And don't forget to press the bell icon. So stay tuned. Thank you.